बन रहा है यहाँ ब्रेड रोल, जिसके लिए ये ब्रेड कट गई हैं। आलू इधर फ्राई हो चुका है ये देखिए, और अब जा रहे हैं ब्रेड रोल फ्राई होने, तो इसके लिए कढ़ाई चढ़ा दी गई है। तो यहाँ हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो बनके तैयार है। यम्मी यम्मी से ब्रेड रोल देखिए, बताइए कैसे लग रहे हैं। आप लोग भी आइए खा लीजिए। और यहाँ हमारी चाय भी बन चुकी है गर्मा गर्म। तो चलिए अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद आपसे मैं कैमरे के आगे आकर मिलती हूँ। तो यहाँ पीहू की मस्ती बराबर चल रही है, वो ब्रेड रोल खा रही है, साथ में टीवी भी देख रही है। आज है 15 अगस्त, तो सारी जो मूवीज़ आ रही हैं वो सारी देशभक्ति के ऊपर ही आ रही हैं। और ये पापा से बातें भी कर रही है। पीहू की आदत हो गई है पापा को पापा कहने की, मतलब वो मेरे पापा जी को अपना पापा ही बोलती है। सब लोग बोलते हैं ना पापा, मतलब मैं बोलती हूँ तो उसे लगता है कि पापा ही बोलना है। और ये है पोस्ते का हलवा, जो कि मैंने आपको दिखाया था जन्माष्टमी में, मम्मी ने बनाया था, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं यहाँ पर ब्रेड रोल खा चुकी हूँ, तो मैं अभी खा रही हूँ पोस्ते का हलवा। मैं पीहू से कुछ बातें कर रही थी, तो उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने फेस पे फेस पैक लगाने। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो बस मैंने मुल्तानी मिट्टी को रोज़ वाटर से घोल लिया है, और इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी 10-15 मिनट के लिए, और फिर वॉश कर दूँगी। इस बीच में मेरा एक पार्सल आ गया था, कुरियर, जो मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से, तो वो आ गया था, तो वही मैं लेने गई थी नीचे। और ये देखिए वो है ये पार्सल जो मैं लेकर के ऊपर से नीचे से आ रही हूँ। मैंने इसको ब्लर कर दिया है क्योंकि एड्रेस लिखा है, तो सेफ्टी पर्पस से मुझे इसे ब्लर करना पड़ा। और बस चलिए ये मैं ऊपर लेके पहुँचती हूँ, और फिर अपने फेस को वॉश करके सब कुछ फ्री हो करके उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 11:30, और मैंने अभी लगाया था फेस पैक, मुल्तानी मिट्टी लगाई थी नॉर्मल सी, और बहुत गर्मी लग रही है इसलिए मैंने आपको बताया ना, जब गर्मी लगे आपको तो आप मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं, आपको बहुत ही रिफ्रेश और अच्छा फील होगा। और उसके बाद मेरा जो एक पार्सल अभी आया, मैंने आपको दिखाया था ना, तो उसी पार्सल में मेरा एक सीरम था जो कि मैं बहुत दिनों से यूज़ करना चाह रही थी, तो मैंने सोचा जब लगाया ही है फेस पैक तो उसके बाद कुछ ना कुछ तो लगाया ही जाता है, तो फिर मैंने लगाया सीरम जो कि बॉडी क्यूपिड का है, नया मंगाया है मैंने, बहुत जल्दी आपके साथ में उसका रिव्यू शेयर करूंगी। आज है इंडिपेंडेंस डे, तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल पीहू ने जो बनाया था फ्लैग, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको फ्लैग, पीहू का फ्लैग कहाँ पे है। पीहू देखे आपका फ्लैग, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, है ना? हाँ, पीहू का फ्लैग देखें, पीहू कैसा है, खाइए। अच्छा है, कौन से कलर का किया है आपने, बताइए। ये ऑरेंज कलर का, ये ग्रीन कलर। ओके, क्या कर रही हैं आप? मेरे पास में तुम जो तैयारी कर लिया, तो उसके बाद फिर रोटी कर। ये क्या है? सब्जी के लिए आलू। अच्छा, इधर आलू की सब्जी बन रही है, और यहाँ दाल छौंक दिए हैं। अच्छा अच्छा, आज क्या बनने वाला है? आज चने के दाल के पराठे, उसे क्या बोलते हैं? उसको दलभरी भी बोलते हैं।
दल भरी। अच्छा तो आज बनने वाला है दाल के पराठे, क्यों? क्योंकि आज एकादशी है, तो आज है एकादशी जिसमें हम लोगों के यहाँ चावल नहीं बनता है, तो मम्मी ने सोचा चलो आज बनाते हैं दाल भर के पराठे। वो एक असाढ़ी होती है ना, वो असाढ़ी पता नहीं आप लोग क्या होता है कि नहीं, उस दिन आम खाए जाते हैं, तो उसी दिन बनता है ये दाल के पराठे। तो आज भी वही मम्मी, तो मम्मी कह रही है आइए दिखा देते हैं। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। इसमें दाल रात में छाप देते हैं, घी, जीरा, हींग, मिर्च, नमक। हींग, जीरा, नमक, मिर्च से दाल को, ये चने की दाल है, ये चने की दाल को उबा छोंक दिया गया है घी में। घी तेल चाहे जिसमें। अच्छा, फिर इसको स्टफ किया जाएगा। पीसने के बाद फिर ये भरे जाएंगे, पराठे बनाए जाएंगे। जैसे वो नहीं होता है, चाहे पूरी बनाएंगे। अरे जैसे वो होता है महाराष्ट्र में जो वो बनता है, वो तो मीठा होता, क्या होता है वो महाराष्ट्र में, क्या बनता है नाम नहीं याद आ रहा है। महाराष्ट्र में वो बनता है ना दाल के वो पराठे, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे अभी। तो जो अभी मेरा प्रोडक्ट आया है उसमें से ये एक कुर्ती भी है, जो मैंने आपको बताया था मम्मी ने अपने लिए कुर्ती मंगाई थी, तो वो कुर्ती पता है आपको ये मीडियम आ गई है। मैंने इसको मंगाया था एक्सेल साइज़ में मम्मी के लिए, बट ये आया है मीडियम साइज़, तो इसको भी हमें वापस ही करना पड़ेगा क्योंकि ये छोटी है और मुझे ये मतलब चाहिए नहीं है मुझे ये कलर। मम्मी मैंने फिर भी पहन करके देखी, तो आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही है ये। और एक्चुअली में मुझे चाहिए नहीं ये कलर, मेरे पास है ऑलरेडी इस कलर की कुर्ती, लेकिन मैंने कहा चलो मीडियम है तो ट्राई करके देख लेते हैं कि कैसी लग रही है। तो चलिए कमेंट करके बता दीजिए कि आपको कैसी लग रही है ये कुर्ती। बाकी तो ठीक है मतलब, लेकिन मैं वही कुछ बातें कर रही थी मम्मी से कि ये स्ट्रेट नहीं है और अलाइन शेप में है। तो कुर्ती ट्राई हो गई है, सिरम भी लग गया है मेरा, जितना आइटम आया था दो तीन एक और आए हैं जो मैंने प्रोडक्ट मंगाए हैं। जब सब कुछ आ जाएगा तब मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी, अभी तो दो चीज़ मैंने आज आपको दिख बता ही दी है। और यहाँ पे मम्मी खाना बना रही हैं, वो क्या है, तो सब्जी बनके तैयार है। ये देखिए दाल है जो मम्मी पीस ली है, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई एक्चुअली, बताया ना मैंने कि पता नहीं क्या होता है कि टाइम इधर उधर हो जाता है, मैं कहीं बैठी रहती हूँ और मम्मी काम कर लेती हैं। तो ये दाल तैयार है, अब मम्मी पराठे बनाने जा रही हैं। तो देखिए किस तरह से स्टफ़ करना है, जैसे आलू के पराठे स्टफ़ किए जाते हैं ना उसी तरह से, ज़्यादा ज़्यादा स्टफिंग भरो तो बहुत टेस्टी लगता है। ये नमकीन दाल के पराठे हैं और इसको आप पूरी भी तरह, पूरी की तरह फ्राई कर सकते हैं और रोटी की तरह भी सेक सकते हैं। और हाँ, मुझे वो नाम याद आ गया, वो जो मैं आपको बोल रही थी ना महाराष्ट्र में बनता है उसको पूरन पोली बोलते हैं, तो वो मीठी बनती है, हल्की सी उसमें स्वीटनेस रहती है। तो मम्मी बोल रही थी एक दिन वो भी वो बनाएंगी, तो मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे बना रही हैं मम्मी। तो बस यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म लंच बन रहा है, मैं पीहू को पहले खिला दूँगी, मम्मी बना रही हैं तो बस मैं पीहू को बैठा के गर्मा गर्म खिलाऊँगी। और आज मुझे आपके से एक बात शेयर करनी है, बस ऐसे ही मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने सोचा आपसे पूछती हूँ, जो आपने मेरा टाइटल देखा है कि मतलब यूट्यूब की वजह से क्या सच में लोगों के रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, यूट्यूब की वजह से लोग अपने रिश्तों मतलब रिश्ते में दरार आ जाती है, क्या ऐसा होता है? आप लोगों के साथ भी अगर कभी ऐसा हुआ है तो ज़रूर मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, कैसे कोई रिश्ता तोड़ सकता है एक YouTube चैनल के लिए, YouTube चैनल की वजह से। है पीहू का पराठा, आज मम्मी ने बनाया है यहाँ पे मीठे करौंदे, ये देखिए जैसे मीठे आम की चटनी होती है वैसे ये मीठा करौंदा है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और अभी आपने देखा पीहू सुन रही है राइम्स, तो मैं भी राइम्स बंद कर दे रही हूँ। हाय पीहू, तो मैंने राइम्स बंद कर दी है, पता नहीं राइम्स से कॉपीराइट आता है कि नहीं आता है। शाम हो चुकी है, हम लोगों ने चाय पी ली थी, आज का लंच बहुत अच्छा बना था। आप लोग इस तरह से पराठे बनाते हैं कि नहीं कॉमेंट करके बताइएगा। और अब मम्मी जा रही हैं छत पे वॉक करने के लिए, छत पे जा रही हैं आप तो। हेलो हेलो,
तो मम्मी जा रही हैं छत पे वॉक करने के लिए, पापा छत पे पहुंच चुके हैं। तो मैं सोच रही हूँ पीहू को थोड़ी देर बैठ के पढ़ा देती हूँ, क्योंकि इसी समय पीहू को पढ़ने के लिए मिलता है, वरना तो ये जब खेलती रहती हैं, मम्मी पापा होते हैं कमरे में, तो इनका पढ़ने पे लगता नहीं है मन। लेकिन अभी पीहू को फ्लैग भी तो होस्ट करना है ना, तो सुबह तो हम लोग छत पे गए नहीं थे, अभी छत पे जाके फ्लैग लगा के आते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद मिलते हैं, बाय बाय। स्लीपर पहन लिया आपने? चलिए छत पे चलिए। करो क्लैपिंग करो। तो फ्रेंड्स आपने देखा पीहू का झंडा जो है वो लगा दिया है, और पीहू को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग लगा उसको। और मैंने कहा चलो अच्छा है, इसी बहाने घर पर बच्चा जान तो सकता है ये हो क्या रहा है, इसीलिए मैंने पीहू को फ्लैग बनवाया और मैंने उसको फ्लैग होस्टिंग करना भी बताया। तो इसको आ गया था, बाद में बोलती थी भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। हाँ कैसे? भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वेरी गुड, चलो भाई चलो। तो बस यहाँ पे मम्मी का एक और पार्सल आया है, मम्मी ने कुछ चप्पल भी ऑर्डर करवाई थी, तो ये है, वही देख रही थी कि कैसी है। और बस आज का यही था व्लॉग, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।